फ्रेंड्स वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 3। दोस्तों कुछ झारखंड बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों वीडियो दोस्तों, ठीक है। जो सब्जेक्ट का बात करते हैं सब्जेक्ट आपको जैसे विज्ञान दोस्तों, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं मतलब साइंस दोस्तों, ठीक है। जो थ्योरी पेपर होता है थ्योरी में जो आपको लिए लिखने वाला पेपर होता है, ठीक है। टोटल बच्चों क्लास 10 के बच्चे आपका जैसे क्लास 10 के स्टूडेंट के दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जो सेशन में जो आपका 21 का सेशन दोस्तों, जो जब पूर्णांक की बात करते तो आपका 80 नंबर टोटल का अंक बच्चे एग्जाम में पूछेंगे दोस्तों, ठीक है। टाइमिंग की बात करते तो टाइमिंग आपको 3 घंटा समय से मिलेगा दोस्तों, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर दोस्तों, ठीक है। इस चैनल पर क्या किया कि मैथ का जो पूरा सोल्यूशन करा के वीडियो डाल दिया दोस्तों, जाकर बच्चों देख जाकर देख लीजिए बच्चों, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा दोस्तों, ठीक है। देखिए बच्चों क्या आगे देखिए दोस्तों, पहला मैं क्वेश्चन दोस्तों करते हैं बच्चों। इसमें इस वीडियो में हम लोग करने वाला भी है एमसीक्यू बच्चों, सर छोटा क्वेश्चन भी एक नंबर जी दोस्तों, सारे एक नंबर क्वेश्चन तो सारे कर लूँगा एमसीक्यू दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। जो क्या बोला गया, आदि आर वन और आर टू प्रतिरोध पार्श्वक्रम हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध जो होता है, समझे दोस्तों। बोला क्या कि अगर आर वन और आर टू प्रतिरोध को पार्श्वक्रम में होता तो उसको समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो पहला आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर होगा, ठीक है। आर बराबर से क्या होगा, आर वन गुना आर टू बटा आर वन प्लस आर टू दोस्तों, ठीक है। बच्चा आपका जो पहला सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। सिर्फ बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें, बच्चों बोला क्या कि अगर हम लोग कोई भी वास्तविक प्रतिबिंब उसको निकालना कैसे कहाँ रखेंगे बीम को, तो रखेंगे हम लोग का ऑप्शन बच्चों सी आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बच्चों यानी कि फोकस दूरी बच्चों, और क्या करेंगे फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, ऑप्शन बच्चों सी आपको सही मानना, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन आपका ऑप्शन थ्री दोस्तों, ठीक है। थ्री में क्वेश्चन क्या क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि निम्न में से किसका उपयोग करके खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है दोस्तों, किसके बच्चे खाना बनाने के ईंधन के रूप में नहीं किया जाता बच्चों, ठीक है। तो बच्चों सी एन जी का ऑप्शन नंबर ए का जो नहीं किया था, सी एन जी बच्चों हम लोग क्या करते हैं इसका हम लोग उपयोग से नहीं करते, ठीक है। हम लोग कोयला का उपयोग करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम लोग, देखिए एल पी जी का उपयोग करते हैं, फिर बायोगैस का भी जो उपयोग हम लोग करते हैं खाना बनाने से, ठीक है। लेकिन सी एन जी का बच्चों उपयोग नहीं करते सो, ठीक है। चलो तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर फोर दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन फोर से क्या कह रहा है कि निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है बच्चों, पवनों दोस्तों किस देश को कहा जाता है बच्चों। पहला ऑप्शन आपका है यूएस का, दूसरा है भारत का, तीसरा जापान का, चौथा बच्चों डेनमार्क दोस्तों, ठीक है। तो बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास डेनमार्क दोस्तों, डी नंबर दोस्तों, ठीक है। यानी कि डेनमार्क तो डेनमार्क सही मारी है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर फाइव दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या समझ दोस्तों, बोला कि घरेलू विद्युत परिपथों में किस संयोजन का उपयोग नहीं किया जा जाता बच्चों, ठीक है। किसका संयोजन जो उपयोग नहीं किया था, पहला ऑप्शन तो क्या है श्रेणीक्रम, दूसरा जो क्या है पार्श्वक्रम, तीसरा जो क्या है मिश्री संयोजन, तीसरा बच्चों की चौथा बच्चों क्या आपका है कि इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों जब हम लोग घर में जो हम लोग उपयोग करते हैं जब हमको लाइन लगा हुआ रहता है उसमें हम लोग कौन सा एक ही क्या बोलते हैं एक ही धारा दोस्तों सारे बोर्ड को क्या होता है कनेक्ट इसको किया होता है इस तरह से, ठीक है। तभी इस बच्चों हम लोग घर में जब यूज करते हैं सबको अलग अलग हम लोग यूज करते, ताकि बच्चों क्या होगा कि अगर कोई तरह से हमारे बीच में अगर कोई फॉल्ट हो जाता है तो आगे का लाइन में कोई दिक्कत तो नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए बच्चों क्या करते हैं हम लोग यूज़ करते हैं इसमें श्रेणीक्रम दोस्तों, ठीक है। यानी कि जो ऑप्शन हो जो पहला आपको सही मारना, ठीक है, यानी कि ए नंबर दोस्तों, ठीक है, श्रेणीक्रम बच्चों। चलते चलते क्वेश्चन आपको आप छः नंबर दोस्तों, ठीक है, बोला क्या छः नंबर दोस्तों क्वेश्चन में कि संतरा में कौन सा अमल पाया था बच्चों, ठीक है। संतरा में कौन सा अमल पाया था, पहला ऑप्शन आपका है सैट्रिक अमल, दूसरा बच्चों है टर्टेरिक अमल, तीसरा बच्चों आपका है ऑक्जेलिलिक अमल, चौथा बच्चों क्या है लैक्टिक अमल दोस्तों, ठीक है। तो जो कौन सा बच्चा अमल पाया था जो ए नंबर आपको, ठीक है, यानी कि साइट्रिक सिट्रिक अमल दोस्तों, ठीक है, सिट्रिक यानी कुछ ए नंबर को सही दोस्तों मारना, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेवन दो, ठीक है। बोला क्या कि आधे बिलियन के पीएच का मान 3 है वह क्या होगा दोस्तों, ठीक है। पहला ऑप्शन का अमल होगा, दूसरा का 4 होगा, तीसरा का 11 होगा, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, ठीक है। और बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर कुछ इसका जो सही आंसर आपको जाएगा ए नंबर से, यानी कि अमल दोस्तों होगा, ठीक है बच्चों। बच्चों आपको अच्छा लगा वीडियो को उसको लाइक करते हो, ठीक है। मुझे बहुत मेहनत सबको लगता बनाते हैं वीडियोस को, चलते देखते तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर एट हो रहा है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र वस्तु क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों विरंजक जैसे चूर्ण का सूत्र वस्तु क्या होता है, पहला ऑप्शन जो लिखा हुआ आपको जैसे सी ए ओ सी एल 3 2 दोस्तों, ठीक है। आपको यही होता है विरंजक चूर्ण का सूत्र दोस्तों, ठीक है। चलते चलते नेक्स्ट क्वेश्चन आप 9, ठीक है। बोरा क्या दोस्तों कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अवंध पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है। बोरा कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच में कितने अवंध बच्चे पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है। ऑक्सीजन दोस्तों मान लिया गया दोस्तों कि इसका तो यहाँ 6 है, ठीक है बच्चों। तो देख सकते हैं दोस्तों कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों ये इससे अगर लेता है, ठीक है, इससे लेता है दोस्तों, तो ए भी तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा अपने साथ में दोस्तों, क्या करेगा कि ले लेगा दोस्तों, ठीक है। कितने से रहता है आपको दोस्तों, तो टोटल बच्चा आपको रहता है 2 2 इलेक्ट्रॉन दोस्तों, यानी कि ठीक है। तो बच्चों ऑप्शन आपको 20 से मारना, यानी कि 2 बच्चों, ठीक है। 2 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बच्चे परमाणु से आपका बंधा हुआ रहता है, ठीक है। तो दूसरा बच्चों को सही मारना है 2 दोस्तों।
दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 दोस्तों। अब ठीक है, क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बेंजीन का गुणसूत्र बच्चों है, क्या बोल रहा है अणुसूत्र बच्चों क्या होता है बेंजीन का सूत्र। ठीक है, तो बच्चों बेंजीन का अणुसूत्र दोस्तों क्या होता है आपके लिए, ऑप्शन नंबर सी सही होगा सूत्र, यानी कि C6H6 दोस्तों। क्या होगा C6H, बच्चों बेंजीन की इस तरह आपका बनता है। ठीक है, इस तरह से बनता है। ठीक है, फिर इस तरह लेते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया दोस्तों, 6 हो गया बच्चों। इस तरह आपका बेंजीन का जो निर्माण होता है सो, ठीक है, इस तरह से आपका बच्चों बेंजीन बनता है। ठीक है, समझे कि ना, देखिए इस तरह से। तो चलते हैं, चलते हैं अभी, आप फिल इन द ब्लैंक्स के सारे क्वेश्चन कर लूँगा वैसे इस वीडियो में। ठीक है, तो क्या समझे तो क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन 11 नंबर में कि दर्पण सूत्र बच्चों, ठीक है, बराबर होता है बच्चों कि इसके, जबकि यू क्या है बीम का दूरी है, भी बच्चों क्या प्रतिबिंब दूरी, और एफ का क्या फोकस दूरी दोस्तों। ठीक है बच्चों आपका, तो आप दर्पण का सूत्र दोस्तों क्या होता है दोस्तों, तो देखिए समझिए दोस्तों कि आपका दर्पण सूत्र आपका होता है 1/f दोस्तों, होता है छोट f दोस्तों। ठीक है, बराबर सो क्या होता है 1/ सो भी होता है, फिर दोस्तों क्या होता है प्लस होता होता है 1/ सो यू होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सो आपका होता है दर्पण का सूत्र दोस्तों। ठीक है, जिसको आप भर लीजिए। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 सौ। ठीक है, क्वेश्चन 12 सौ क्या कर रहा है बोलिए कि हीरा एक ग्रेफाइट कार्बन के है बच्चों। ठीक है, बोल रहा कि हीरा के बच्चों ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप दोस्तों। ठीक है, अपरूप होता है, समझे ना। चलते हैं, चलते हैं नेक्स्ट दो क्वेश्चन आप 13 दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन 13 क्या कहता है कि एल्किन का समान सूत्र दोस्तों क्या होता है। ठीक है, एल्किन का समान सूत्र दोस्तों क्या होता है, क्या दोस्तों एल्किन समान सूत्र दोस्तों, तो एल्किन समान सूत्र आपको होता है CnH2n दोस्तों। ठीक है, ये आपको तो एल्किन का समान सूत्र होता है, जिसको याद कर लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आप 14 दोस्तों। ठीक है, बोला क्या कि आवेश का एसआई मात्रा बच्चों क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है बच्चों, तो आपको होता है कूलाम बच्चों, कूलाम उसको आप लिख लीजिए इसे करके। ठीक है, कूलाम दोस्तों, कूलाम सब बच्चों आपको लिख लेना, समझे क्या। चलो चलते हैं, अब देखिए चलते हैं साइंस का जो क्वेश्चन देखने वाली है कर लेते हैं। ठीक है, हाँ कि जीव विज्ञान दोस्तों। ठीक है, जीव विज्ञान से क्वेश्चन बच्चों का 27 दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बोलिए देखिए दोस्तों, बोल रहा कि यहाँ तो ठीक, बोल रहा क्या दोस्तों कि रुंधों का खुलना और बंद होना निर्भर बच्चों करता है। ठीक है, पूरा के जो रुंधो बच्चों रहता है उसमें किस पर वजह खुलना बंद होने का जो करता है। ठीक है, जो पहला ऑप्शन जो आपको सी सो सही होगा। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के संदर्भ पर। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के संदर्भ बच्चों क्या कहता है कि सुंदर जो खुलता है और बंद जो होता है। ठीक है, जो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों। ठीक है, पूरा क्या परगकोश में होते बच्चों, परगकोश में जो क्या होता है। ठीक है, परागकण उससे होता है, परागकण उससे होता क्या होता है, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, परागण परागकण होता है। ठीक है, परागण परागकण होता है, पराग परागकण दोस्तों। ठीक है, दोस्तों चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन 29 क्या कहता है कि मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन होता है बच्चों। ठीक है, मुकुल द्वारा किसका अलैंगिक जनन होता है, तो बच्चों किसका होता है मुकुल दोस्तों, तो बच्चों उसमें हमसे आपका 20 सही मारना है। ठीक है, यानी कि ईस्ट में क्या होता है बच्चों कि मुकुल द्वारा लैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी को हम सही मारिए। चलते हैं देख सकते नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बच्चों हो गया 30 दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन 30 क्या कहता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या बच्चों कितना होता है बच्चों। ठीक है, कितना सा होता है आपको, तो होता है तो 46 होता है बच्चों, ये तो यानी कि 24 को जोड़ा जोड़ा होता है। ठीक है बच्चों, ये क्या करेंगे, तो 24 जोड़ा यानी कि बच्चों टोटल कितना होता है 46, तो 24 होता है। ठीक है, समझे क्या ना, तो बच्चों सही आपको मारना 46 दोस्तों। ठीक है, समझे क्या ना। चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछो, आप 31 चलेंगे तो। ठीक है, 31 क्वेश्चन क्या कहता है कि एटीपी का सूत्र बच्चों क्या होता है, एटीपी का सूत्र तो क्या होता है कि एडिनो टाई टाई फास्फेट दोस्तों। ठीक है, क्या होता है एटीनो एडिनो इस तरह। ठीक है, ए डी नो तो ठीक है, एडिनो टाई दोस्तों। ठीक है, फास्फेट। ठीक है दोस्तों, फास्फेट दोस्तों। ठीक है, इसके मान लीजिएगा फास्फेट दोस्तों, इस तो सबको लिख देना। ठीक है, समझे गए ना बच्चों, एडिनो टाई फास्फेट दोस्तों। ठीक है, सबको लिख लीजिए दोस्तों। ठीक है, चलते चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपका 32 दोस्तों। ठीक है, जबसे लास्ट क्वेश्चन मुझे एक नंबर ये आपका ये है कि भारत में बायोगैस का नाम से पूछो, तो भारत में बायोगैस को क्या बोलते हैं हम लोग, गोबर गैस को बोलते हैं, गोबर गैस तो। ठीक है, गोबर जानते हैं जो गोबर से बनाते हैं गैस पूछो। ठीक है, इससे लाइन लाइट जैसे जलता है उसको बोलते हैं बायोगैस, वैसे बोला जाता है भारत में। ठीक है, तो बायोगैस क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं भारत में गोबर गैस बोलते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है बच्चों, चैनल को जो भी नए थे चैनल को तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्या होगा कि आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन बच्चों मिल पाएगा। क्योंकि जब मैं इसका सारा क्वेश्चन सोचो कराऊंगा जितना सारा बच्चों आपका हल दोस्तों पूरा। ठीक है, चलिए चलते हैं भाई नेक्स्ट।